दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। जिला बिलासपुर के ऐतिहासिक लुहनू मैदान में आज पहली बार क्रिकेट सितारे, फेमस सिंगर और बॉलीवुड अभिनेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। दरअसल मंगलवार को लुहनू मैदान में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आगाज हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने किया। सांसद खेल महाकुंभ एक ऐसी शुरुआत थी जहां पर ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्लेटफॉर्म दिया और हजारों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पिछले साल 45,000 लोगों ने किया है और इस साल हमारा लक्ष्य है कि 75,000 युवा करें। इससे नशों से दूर रहकर खेलों को बढ़ावा देने को बल मिलता है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा खेलोगे तो खेलोगे। देश भर के सांसदों को कहा कि ऐसे कार्यक्रम करें और मुझे प्रसन्नता है कि अब बहुत सारे सांसद इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। आने वाले वर्षों में सब लोग अगर ऐसा प्रयास करेंगे तो भारत खेलों में बहुत आगे बढ़ेगा। सर, इंडिया एयरलाइंस का एक मजबूत डीलर ए राजा ने कहा है भारत कोई देश नहीं है, जय श्री राम हम स्वीकार नहीं करेंगे, भारत माता की जय हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये सब वो लोग हैं जो हिंदी को गाली निकालते हैं, हिंदुस्तान को खत्म करने की बात करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं, टुकड़ों टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने राज्यसभा के सांसद जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को कुचलने की बात करते हैं। बनाते तो इंडी गठबंधन है लेकिन इनका घमंड अहंकार बाहर निकलकर आता है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि इनको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पड़े, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करना पड़ा और वो भी एक नहीं अनेक बार इस तरह की बात, और उत्तर और दक्षिण को अलग अलग करके देखना, अलग अलग टुकड़ों में देखना भारत को, ये सोच इन्हीं की हो सकती है। हम तो भारत को एक सशक्त देश बनाने की दिशा में और विकसित भारत आपको मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार जन मानते हैं और पूरा देश मोदी जी को अपने परिवार का हिस्सा मानता है। मैं भी मोदी का परिवार। क्या लगता है लालू यादव ने ब्लंडर किया था उस स्टेटमेंट को? देखिए, जितनी बार इन लोगों ने अपशब्द कहे, गाली निकाली, नीचा दिखाने का प्रयास किया, उतने ही मजबूत होकर नरेंद्र मोदी जी आज तक निकले हैं, आगे भी निकलेंगे। इधर हिमाचल में कांग्रेस अपना ही बहुमत नहीं बचा पा रही है। इन फाइटिंग इतना कांग्रेस पार्टी में है कि भाजपा तो किनारे चुप बैठी है, अंदर में ही कांग्रेस के अंदर इन फाइटिंग काफी तेज है। क्या सरकार बच पाएगी कांग्रेस की? ये उनको देखना है आखिर उनसे लोग नाराज क्यों, जनता भी नाराज है, विधायक भी नाराज है। किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए, झूठे वायदे, झूठी गारंटियां दी और उस पर आज फेल भी हो गए, मुकर भी गए, आज मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, तो तोड़फोड़ उनके अंदर हो रही है अपने कारनामों के कारण, अपने कर्मों के कारण। हमीरपुर से आप सांसद हैं, 4,000 करोड़ का सौगात आज हमीरपुर। मैं धन्यवादी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का और नितिन गडकरी जी का जो 4,000 करोड़ की सड़कों की सौगात आज देने वाले हैं। हजारों करोड़ की सड़कों को अन्य भी पहले भी सौगात दी है। ये अपने आप में दिखाता है हिमाचल का चहुमुखी विकास सड़कों के माध्यम से नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।